हे गाइस, कैसे आप लोग? मॉडर्न विलेज फार्म में आपका स्वागत है। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो बनाए। मैं एक्चुअली बाहर था, अपने फार्म से दिल्ली गया हुआ था, तो काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ। लगभग एक महीना हो गया। तो अभी ठंड का माहौल है, एकदम देख रहे हो, एकदम चारों तरफ एकदम फॉग कैसे कैसे है। और ये तो थोड़ा सा भी देखो, हल्का सा एकदम सूरज निकला है। ठंड का काफ़ी ज़्यादा पड़ता है नॉर्थ इंडिया में। यूपी में सिद्धार्थनगर में लोकेशन है इसका, तो मैं बता दूं आपको, रात में इसमें टेम्परेचर चला जाता है 6 डिग्री के आसपास, 5 डिग्री 6 डिग्री। और अभी मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा है, और धूप वैसे निकल रही है दोपहर में, थोड़ी थोड़ी हल्की धूप निकल आती है। तो सिचुएशन ये है अभी। और अभी जनवरी हो गया है 2021, तो एक महीना ये हमें झेलना है अभी, फिर ठंड काफ़ी रहेगी। अभी तो फॉग कम हो गया है काफ़ी, देखिए अभी दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, इतना फॉग है फिर भी। और मॉर्निंग के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही फॉग था यहाँ पे, तो ये सिचुएशन है। और ये हमारे टैंक दो हैं, अभी दो ही में हैं मछलियाँ, ये 2.5 महीना हो गया इनको, और इनका एवरेज वेट अराउंड 50 ग्राम के आसपास होगा मुझे लगता है। ऐसा मैंने वेट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है ऐसे देखने में उसको कितने की हो गई होंगी। और सिचुएशन ये है कि ठीक है, ये जो मैंने कवर किया आप देख रहे हैं, पॉली हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट मेंटेन करने के लिए ये दोनों टैंक्स में मैंने लगा रखा है सीट को, पॉलीथीन सीट को, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन करता है अपना। जो टेम्परेचर बना लेता है उसको बाहर नहीं आने देता जल्दी, ठीक है। तो ये है सिचुएशन, दोनों को पैक किया हुआ मैंने। और इसमें वाटर एक्सचेंज चलता है अभी 2 दिन के बाद। बायोफ्लॉक मैंने बैक्टीरिया बनाया नहीं है इसमें अभी, केवल इसमें अभी वाटर एक्सचेंज चलता है 2 दिन बाद। तीसरे दिन पे जब पानी गंदा हो जाता है तब ये इसका एक्सचेंज करता हूँ, जिससे कि वाटर भी थोड़ा गर्म हो जाता है, जैसे कि अभी पानी हमारा भर रहा है, ठीक है। मछलियाँ पता नहीं आपको दिखेंगी नहीं, अभी नहीं दिखेंगी शायद, पानी से भर रहा है अभी। और टेम्परेचर दिखा दूँ आपको क्या है इसमें, 25.3 डिग्री, ठीक है। ये टैंक नंबर 1 है, जो कि ज़मीन से पूरा ऊपर है टैंक के, ये वाला टैंक। बाकी हमारे टैंक देखो, ये थोड़ा नीचे लग रहा है, ये देखो कितना हाइट का डिफरेंस है, ये लगभग 1.5 फीट नीचे होगा ज़मीन के अंदर। और ये दोनों टैंक्स भी हमारे ज़मीन के नीचे हैं, ये कम से कम 1-1 फीट नीचे हैं ज़मीन के अंदर। इसका टेम्परेचर मैं दिखा देता हूँ, इसमें फेसेस पता नहीं दिखेंगे नहीं आपको, थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, पता नहीं उसमें वीडियो में आ रहा है कि नहीं। देखिए कैसे इसमें भाप निकल रहा है, पानी का भाप निकल रहा है, वीडियो में दिख रहा होगा आपको। और टेम्परेचर में दिखा दूँ इसमें, 25.7, ये टेम्परेचर ज़्यादा है इसका, थोड़ा सा फ़र्क ज़्यादा है इसमें। फ़र्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि ज़मीन के नीचे ही थोड़ा, तो उसकी भी गर्मी है इसका, ठीक है। तो ज़मीन के नीचे होने का यही फ़ायदा है कि टेम्परेचर में 0.5 या 0.7 ऐसे डिफरेंस आ जाता है। तो ये था, फीडिंग ले रही है हमें, हमारी मछलियाँ फीडिंग ले रही हैं, 2 टाइम फीडिंग कर रहे हैं इनको। और अभी मैंने फीड मंगाया है इसका 2 mm का एंड 4 mm का CP का फीड मंगाया है। तो 2 टाइम हम फीडिंग करा रहे हैं, एक टाइम में हम कितना देते हैं, 3 से 4 किलो के बीच में दे रहे हैं हम एक टाइम पे। तो लगभग 7-8 किलो एक दिन का अभी हम लोग इनको दे रहे हैं फीड। तो ठीक है सर, ठंडियों में तो यही है कि सर्वाइव कराना है मछलियों को, फर्स्ट टाइम कल्चर भी है मेरा, थोड़ा सीख भी रहा हूँ मैं, तो मेरा मेन पर्पस यही है कि सरवाइव कर जाएं ये लोग। और अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉट बैड। शुरुआत में वो येलो वाला जो सीट दिख रहा है उससे कवर था, तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा था, जिससे कि मोर्टेलिटी भी काफ़ी आ गई थी, मतलब 1000 के आसपास मेरी मछलियाँ मर गई थी इस टैंक में। तो फिर मैंने अगले दिन ही निकाल के ये ट्रांसपेरेंट सीट से कवर कर दिया इसको। तो इससे जो धूप आती है, हीट, वो थोड़ा कैप्चर हो जाता है, निकल नहीं पाता आराम से, क्योंकि चारों तरफ से पैक है ये देखो। बाकी पावर बैकअप वगैरह रहता ही अपने पे 24 घंटा,
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पुराने वीडियो में देख लीजिएगा। बाकी मैंने सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए हैं, 6 कैमरे हमारे इस फार्म में हैं। इसके अलावा मैंने लाइट्स भी इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। ये देखो, इधर तो नहीं, दो लाइट लगाया है मैंने। मैं किसी दिन रात में वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से एकदम उजाला रहता है यहाँ पे। तो बस ये छोटा सा अपडेट था, ठंड में आपको मैं बता दूँ कि कितना टेम्परेचर मैं मेंटेन कर रहा हूँ। तो टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन हो रहा है, देखो एकदम फॉग, डेंस फॉग, इससे भी डेंस रहता है मॉर्निंग में। और फिर भी हम टेम्परेचर अपना 24-25 रात में जाता है 24 के राउंड, और दिन में वही 25 के राउंड रहता है, मतलब 1 डिग्री का वेरिएशन रहता है। तो यही था गाइस अपडेट छोटा सा, फिर आपको एक दिन रात में वीडियो बना के दिखाऊंगा सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह जो भी है मेरा। तो फिलहाल यही था, आप इसे कुछ सीख सकते हो, इस तरह से पैक करके रखो अपना, हीट मेंटेन करो अपने टैंक्स का, ठीक है गाइस। चलो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ कुछ नया टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।